हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शावेन रिव्यूज़। आज हम घर पे चिकन टिक्का बनाएंगे। चिकन टिक्का बनाने के लिए उपयोगी सामग्री: आधा किलो चिकन, इसको हम धोकर रखे हुए हैं। चार पैच हम बारीक काट कर रखे हुए हैं। चार हरी मिर्च, एक में दो कर दिए, ऐसा बीच में काट रख दिए बस। और 20 या 25 करी लीव्स, 2 टेबलस्पून अजर गार्लिक पेस्ट, गार्निश के लिए कोरिएंडर, 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, अगर आप 1.5 टीस्पून भी डालेगा चलेगा। ये है चिकन मसाला, ये हम घर पे रेडी करा हुआ है। आप इसका कैसे प्रिपेयर करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, ये है 1/4 टीस्पून अजनामोटो यानी कि टेस्टिंग साल्ट। अभी स्टोव लगाकर कढ़ाई रखिए। अभी हम चिकन टिक्के को कैसे बनाते हैं उसकी विधि देखेंगे। स्टोव लगाकर कढ़ाई रखिए। चिकन टिक्का कैसे तैयार करते हैं देखेंगे। स्टोव लगाकर कढ़ाई रखिए। कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डालिए, तेल गर्म होने दें, धीरे डालिए क्योंकि सिम में रख के डालिए, तेल नहीं चलता। इस तरह सारा चिकन डालिए, एक 2 मिनट रुक कर इस तरीके से चिकन को पलटा दीजिए। हम चिक्का तो बना रहे ना, इसीलिए चिकन टिक्के के लिए इस तरह के बड़े बड़े पीसेस लीजिए, क्योंकि छोटे पीसेस लेने से टिक्का अच्छा नहीं दिखता। और इसको ऐसे हिलाते रहिए। अगर चाहिए तो आप लोग इसमें फूड कलर भी डाल सकते, ऑरेंज कलर वाला, क्योंकि हम घर में बना रहे और नेचुरली बना रहे, इसीलिए बिना फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे। और थोड़ा लाल होने दें, थोड़ा सा, अब 1-2 मिनट तक इसी हिलाते हैं। ये इस तरह तले जाने के लिए बिल्कुल 10 मिनट लगेगा। ये अभी हो गया, इसको दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। इसको निकालने के टाइम आप स्टोव ऑफ कर दीजिए। बचा हुआ ऑयल को बाजू में निकाल दीजिए और थोड़ा सा रख लिए, 1-6 टेबलस्पून ऑयल इसी में रख दीजिए कढ़ाई में। ये भी हम तलने के बाद इस तरह हो गए। अभी हम इसमें गरम तेल में पहले हरी मिर्च और करी पत्ता दोनों डालेंगे। स्टोव लगाकर अभी इसका थोड़ा कच्चापन चले गया ना, अभी इसको हिला लीजिए, क्योंकि स्टोव लगाते ही डालने से एकदम से ऐसा उठता, अपने ऊपर ही उड़ सकता है। अभी एक थोड़ा होने के बाद हरी मिर्च को थोड़ा लाल होने दे। अभी इसी में ऑनियन डाल दीजिए, डालकर 1-2 मिनट हिला लीजिए। अभी ये इसी हो, कच्चापन चलेगा। अभी इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून दिए थे ना, वो डाल दीजिए। और इसको 5 मिनट या और ये पैज ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन होने तक आप हिलाते रहिए, नहीं तो इस पे 1-2 या 3 मिनट तक प्लेट बंद कर दीजिए। उस स्टीम से और थोड़ा सा ब्राउन भी आ जाएगी, नरम भी हो जाएगी।
सारा हो गया, अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन भी आ गई, थोड़ा सा वो नरम नरम। अभी हम इसमें तला हुआ चिकन था ना उसको डालेंगे। डाल कर एक बार जरूर हिलाएंगे। और ये लाल मिर्च हल्दी दोनों को इसमें डाल दीजिए। और नमक अब देख कर डालिए, नहीं तो 1.5 टीस्पून भी डाल सकते। अभी इसको मिला लीजिए। इसको मिलाने के बाद ऐसा हुआ, अभी इसको एक 5 मिनट तक धीमी आंच में यानी कि सिम में रखकर प्लेट बंद कर दीजिए। 5 मिनट हो गया, अभी एक बार निकाल के देखेंगे। इसको फलटाने के बाद और एक 5 मिनट ऐसे धीमी आंच पर रख दिए क्योंकि वो थोड़ा सा टिक्का नरम टाइप से आना अच्छे रहे, खाने के लिए भी बहुत अच्छा। हम इसको निकालते, हम अभी इसमें चिकन मसाला, हमने बताया ना हम घर में तैयार किया हुआ है, इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वन एंड हाफ स्पून डालिए, टी स्पून। ये टेस्टिंग साल्ट है, बिल्कुल अभी चिकन टिक्का खाने के लिए तैयार है। इसको हम दूसरे बाउल में सर्व कर लेते। ये चिकन टिक्का भी रेडी हुआ है, इसको कोरिएंडर से गार्निश करते। गर्मा गर्म चिकन टिक्का रेडी। हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे आने वाले नए वीडियोस अपडेट के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।